वेलकम फ्रेंड्स, होप यू आर फाइन। सो गाइस, इस वीडियो में हम वर्ड ऑफ द डे डिस्कस करेंगे, दैट इज एक्सीड। एक्सीड एक वर्ब की तरह यूज होता है। एग्री टू डिमांड, रिक्वेस्ट और ट्रीटी। जब हम किसी की डिमांड को मान लेते हैं या किसी की रिक्वेस्ट या ट्रीटी को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसको हम एक्सीड बोलते हैं। हिंदी में आप मान लेना या स्वीकार करना बोल सकते हैं। एग्जाम्पल, इवन दो ही नीडेड मनी बैडली, हरी वुड नॉट एक्सीड टू टेक बैंक लोन। यानी हालांकि उसको मनी की यानी पैसों की बहुत जरूरत थी, लेकिन उसने बैंक लोन लेना स्वीकार नहीं किया। ओके, यानी हरी को बहुत ज्यादा जरूरत थी पैसों की, उसके बावजूद भी उसने बैंक लोन लेना स्वीकार नहीं किया। ओके, सिनोनिम्स, एग्री टू, कंसेंट टू, एक्सेप्ट, असेंट टू, एक्यूएस, इंडोर्स, कंप्लाई विद, गो अलोंग विद, कॉन्कर विद। एंटोनिम्स, डिसेंड, फॉरबिड, रिफ्यूज, डिनाई। एग्जाम्पल हम डिस्कस कर चुके हैं। ट्रिक, हमें लाइफ में प्रोसीड करने के लिए बड़ों की बातों को एक्सीड करना चाहिए। देखो, मैंने यहाँ पर प्रोसीड को एक्सीड से कनेक्ट किया है, आप इससे याद रख सकते हैं। यानी प्रोसीड, एक्सीड, कितने सिमिलर से वर्ड हैं। यानी हमें लाइफ में प्रोसीड करने के लिए बड़ों की बातों को एक्सीड करना चाहिए। ओके, नाउ यू आर टू टेल द मीनिंग ऑफ द वर्ड, दैट इज प्रीकैरियस। आपको प्रीकैरियस का मीनिंग बताना है। एंड लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक वर्ड दिया था, दैट वाज ड्यूरस। ड्यूरस का मीनिंग होता है प्रेशर या थ्रेट्स, या आप इसको दबाव बोल सकते हैं। जब हम किसी पर दबाव देते हैं या बॉस अपने एम्प्लॉय पर दबाव देता है, उसको हम ड्यूरस बोलते हैं। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।